दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें आज अपन बात करेंगे कि कैसे गूगल माई बिजनेस पे अपने पूरा सेटअप कर लिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये अपने को एक गूगल माई बिजनेस अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा था जहाँ पे अपन फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और उसको अपन लाइव कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं द यूनी अकेडमी यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा वेबसाइट। वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। मैंने एक्चुअली पहले से डिजाइन कर रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या डिजाइन कर सकते हैं आप। सो गाइज, आपके सामने इधर देख रहा थीम्स, थीम्स एडिट और फोटोज मोर। तो आप पहले थीम्स पे जाएंगे, थीम्स अपने को सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी थीम लेनी है। तो आप जो भी है वो आप थीम कर सकते हैं, इसमें से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये थीम सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये सेलेक्ट करा, उसके बाद में ओके कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ओके करने के बाद में आपके पास ये थीम अवेलेबल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे थीम अवेलेबल होने के बाद में एडिट का ऑप्शन आता है, जिसमें गाइज आपको देखे ऊपर देखने को मिल रहा होगा जो आरपीएम डिजिलैंड, जो ये नाम है मेरी कंपनी का। तो मैंने यहाँ पे गाइज हेडलाइन में मैंने डाल दिया आरपीएम डिजिलैंड। तो डिस्क्रिप्शन में डाला है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस इन, और इसमें आगे मतलब और कुछ भी डाल सकते हैं अपन। तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत डाला है आपको बताने के लिए, सबरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी समरी बॉडी। आप इसमें जो भी है कंटेंट आप लिख सकते हैं इसमें गाइज, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यूनिक अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हाइपरलिंक, जो इनबाउंड आउटबाउंड लिंक है वो आप गाइज इसमें दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सुनहरा ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि है। इसमें आप खुद की फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट। तो यहाँ पे आप नंबर्स भी, ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, नंबर देखे हैं और अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं गाइज। तो आपके सामने ये जो हो गया, आप इस पर आप क्लिक कर देंगे गाइज। इसके बाद में आपके पास तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं। तो पहले तो आप, तो ये आपने बटन, सो इसमें एक ऑप्शन था बटन, प्राइमरी बटन आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो कॉल कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस, गेट डायरेक्शन, गेट ट्यूटर्स, मेक अपॉइंटमेंट, मैसेजेस मैसेजेस, व्हाट्सएप। सो गाइज इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कॉल नाउ कर रखा है और व्हाट्सएप कर रखा है। तो गाइज प्राइमरी बटन मैंने कॉल नाउ और ये कर दिया है। इसके बाद में देखिए आप, ये हो जाएगा अपडेट। अपडेट होने के बाद में आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा गाइज, कि आपकी चेक कर लो कि आपकी वेबसाइट लाइव है या नहीं। यदि लाइव है तो आप उसको पर्टिकुलरली डिजाइन करके अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद में अपने पास ऑप्शन आता है फोटोज़ का। फोटोज़ अपने को अपलोड करना, अपनी खुद की गैलरी बना सकते हैं आप। सो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट फोटोज़ फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो मैंने ये गाइज इसमें कर लिया। आप इसमें से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आप क्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप क्रॉप करके आप पूरी अपनी गैलरी बना सकते हैं। इसमें गैलरी जैसे अपनी फोटो चाहिए, मैंने अपलोड करी है फोटोज, आपके सामने ये फोटो दिख रही है। सो गाइज ये फोटोज मैंने इसलिए अपलोड करी कि मैं आपको बता पाऊँ कि ऐसे अपन फोटो अपलोड कर सकते हैं। और तो यहाँ पे आप मोर में ऑप्शन जाएंगे, मोर में ऑप्शन जाने के बाद आपको देख रहा है आरपीएम डिजिलेंस डॉट बिजनेस डॉट साइट। ये आपकी साइट का एड्रेस है गाइज, क्योंकि आपने पब्लिश कर दिया है। अपडेट योर साइट नेम, यहाँ पे आप साइट का नेम अपडेट कर सकते हैं। आपने आरपीएम डिजिलेंस की जगह द यूनी अकेडमी ले सकते हैं अपन, क्योंकि अपनी वेबसाइट है और अपन जिस भी कंपनी या जिस भी मतलब बिजनेस के लिए अपन हम डिजाइन कर रहे हैं उसके आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो इससे आप चेंज कर सकते हैं। तो आप द यूनी भी दे सकते हैं, द यूनी अकेडमी दे सकते हैं गाइज। अपडेट पब्लिश वेबसाइट, अनपब्लिश वेबसाइट। सो गाइज अनपब्लिश वेबसाइट है, उसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे आप। ये पब्लिश नहीं है, अब इसको आप पब्लिश कर सकते हैं गाइज। आपने अनपब्लिश कर दिया तो आप पब्लिश करेंगे यहाँ पे जाके, आपकी वेबसाइट लाइव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट टिप्स और वेबसाइट व्यू। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, जितनी यूज़र फ्रेंडली होगी, जितनी एसईओ फ्रेंडली होगी, उतनी वेबसाइट आपकी दिखने में अच्छी लगेगी और उससे आपका ट्रैफिक जनरेट होने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो ये देखिए आपके सामने मेरी वेबसाइट जो मैंने अभी डिज़ाइन करी है वो आपके सामने है फिलहाल। तो आप देखने में देख रहे हैं कि ठीक लग रही है थोड़ा, मतलब मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा फिलहाल। तो आप देखिए गाइस आपके सामने ये जो है मेरी इसमें, तो ये वेबसाइट ऐसे देखने में दिख रही है। तो आप चलो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं और आगे की तरफ बात करते हैं। प्रमोट योर साइट ऑन गूगल। सो गाइस मैं बोल रहा हूँ आपको कैंपेन बना के, जैसे गूगल एडवर्ड में आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं गूगल एडवर्ड पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं पहले बता दूं कि प्रमोट योर वेबसाइट ऑन गूगल। तो आप जैसे ऐसे लोग
एसईओ करके भी कर सकते हैं और गूगल एडवर्ड से आप एड चला के भी प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि एसईओ करने से आपको मतलब बेनिफिट ये होता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है और आपको कोई गूगल को चीज़ पैसा पे नहीं करना पड़ता, और गूगल एडवर्ड से आप वो बना के एड और कैंपेन बना के रन करते हैं, उसके लिए आपको पर क्लिक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है जो गूगल को देना पड़ता है आपको। और यहाँ पे डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड ऑफरिंग्स, जो भी आपका बिजनेस है उस पर गाइस जाके यहाँ पे डिस्क्राइब करें उसको। डिस्क्राइब करने के बाद में आपको आपकी वेबसाइट अच्छी बन जाएगी और आपके पास क्लाइंट इजीली आपको वेबसाइट या आपकी सर्विसेज आपकी क्वालिटी को समझ पाएगा कि आप ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में ऐड मोर फोटोज, आप में ऐड मोर फोटोज कर सकते हैं, जैसे एक गैलरी डिजाइन कर सकते हैं अपन इसमें, तो वही ऑप्शन है ये। शेयर योर वेबसाइट सॉरी साइट, तो आप शेयर कर सकते हैं किसी भी थ्रू, आपको कोई टेंशन नहीं है उस बात में कि यार मेरे को शेयर कैसे करूँ मैं, इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आना आपके पास। ये आपको ऊपर भी दिख रहा है, तीनों साइड है आपको दिख रही है। तो गूगल सर्च मैप ये जो भी आपको गाइस मैं है, ये अगले कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो आज का वीडियो अपन यहीं के समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और गाइस आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पूछना हो, तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम करके आप पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हो। थैंक यू गाइस।